नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राणा प्रताप राय, आपका दोस्त। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको हेमपुष्पा सिरप के बारे में। हेमपुष्पा सिरप क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए इसको, और इसको लेने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और परहेज क्या है। तो दोस्तों, आपने इस प्रकार की बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही संक्षेप में बिना घुमा फिराए आपको जानकारी दूंगा कि हेमपुष्पा का इस्तेमाल कैसे करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल बटन को भी दबा देना, और प्लीज़ ऑल पे दबाना, ताकि इस प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में। दोस्तों, हेमपुष्पा सिरप एक महिलाओं का बहुत ही पुराना जाना पहचाना ब्रांड है, और इसको आमतौर पर भारत के सभी मेडिकल स्टोरों पर मिल जाता है, और बहुत ही पुराना ब्रांड है और विश्वसनीय है। इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है इसको पीने से, ख़ास तौर से उन महिलाओं को जिनके पीरियड आने से पहले पेड़ों में बहुत दर्द होता है, कमर में बहुत दर्द होता है, खुल के नहीं आता, तो उन महिलाओं के लिए ये वरदान साबित होता है। इसके साथ साथ हेमपुष्पा सिरप के साथ साथ हेम टैबलेट आता है इसके साथ में, उसको भी मिलाकर पीने से ल्यूकोरिया जैसी भयानक बीमारी को भी दूर किया जा सकता है आसानी से। और इसको लेने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि कोई महिला अगर पहले से कोई दवाई ले रही है तो उसको लेने से पहले हेमपुष्पा सिरप डॉक्टर से सलाह ले ले कि वो इसको ले सकती है कि नहीं उसके साथ में। अगर वो नहीं ले सकती और ले लिया तो इसका परिणाम गंभीर भी हो सकता है। दोस्तों, ये किन किन मामलों में फ़ायदा करता है? ये महिलाओं के पीरियड आने से पहले दर्द होना, उसमें फ़ायदा करता है। कम होना या फिर उससे अधिक होना, उसमें दोनों ही कंडीशन में फ़ायदा होता है। फ़र्क ये है, नॉर्मली जो जब कम होता है तो उस समय नॉर्मल डोज दिया जाता है, लेकिन जब अधिक होने लगता है तो उस समय उसका डोज ज़्यादा हो जाता है। ये निर्भर करता है दोस्तों पेशेंट का आयु और वजन के ऊपर, तो इसको डॉक्टर ही निर्धारित करेगा कि कितना डोज देना चाहिए। अपने आप कभी भी नहीं ले आप लोग। हेमपुष्पा सिरप लेने से महिलाओं में जिनको खाने पीने में रुचि नहीं है, उपकाई आती है, चक्कर आता है, जी मिचलाता है, गैस, अपच, एसिडिटी बनता है, उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा सिरप है ये। इस सिरप को लेने से उनका लीवर ठीक प्रकार से काम करने लगेगा, पाचन तंत्र ठीक से काम करने लगेगा। जब सही से पाचन होगा तो उस समय उनको भूख भी अच्छी सही से लगेगी, और खाएंगी पिएंगी पचेगा तो शरीर में वो लगेगा, शरीर में नया रक्त बनेगा। लीवर जो है इनका, वो नया रक्त बनाने में हेल्प करेगा, और जब नया रक्त बनेगा तो ब्लड का सर्कुलेशन शरीर में अधिक होने से शरीर में स्फूर्ति आएगी, एक नई ऊर्जा का संचार होगा शरीर में, कमजोरी दूर हो जाएगी, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा, हाथ पैरों में जलन जो होता है वो भी दूर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। दोस्तों, इसका इस्तेमाल करने का तरीका है, इसके अंदर जो मापक है या ढक्कन है उसका एक एक ढक्कन सुबह शाम दो टाइम पानी के साथ में मिलाकर लेना चाहिए। पानी अगर गुनगुना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उसके साथ एक एक टैबलेट सुबह शाम लेना चाहिए, खाना खाने के बाद ही पानी से ले। और इसको लेते समय परहेज भी करना चाहिए। परहेज में आप खटाई तेल, लाल मिर्च, गरम मसाला आदि का सेवन ना करें, अधिक चाय नहीं पीना चाहिए, अधिक गरम चीज़ें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये आयुर्वेदिक तत्वों से बना हुआ है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया गया है, इसलिए इससे बहुत ज़्यादा नुकसान तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी इसका सही डोज लेना चाहिए, और लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हेमपुष्पा के बारे में ये जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी, अच्छा लगा होगा आपको। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और इसको शेयर भी कर देना, और अगर पहली बार आप चैनल पर हो हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और प्लीज़ ऑल पे दबाना, ताकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड होगी सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।